हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2D इको के बारे में, मतलब कि टू डाइमेंशनल इको कार्डियोग्राम के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इको रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है और इको रिपोर्ट में क्या क्या गिवन होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इको रिपोर्ट से पता चलता है हार्ट के बाल्ब के बारे में कि हार्ट के बाल्ब में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हार्ट के चैम्बर के बारे में कि हार्ट के चैम्बर जो हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हार्ट के चैम्बर्स की दीवारें मोटी तो नहीं हो गई हैं। तो यहाँ पर ऑल अबाउट हार्ट के फंक्शन के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, इसमें दो एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, मतलब कि जो दीवार होती है, उसको हम एट्रियल सेप्टम के नाम से जानते हैं, और दो वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होती है उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। और यही एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में बाल्ब लगे होते हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्ब के नाम से जानते हैं। तो राइट साइड की एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्प बाल्ब होते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल बाल्ब, या इसी को हम बाइकस्पिड बाल्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड बाल्ब होते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल बाल्ब या बाइकस्पिड बाल्ब होते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इको इम्प्रेशन में क्या क्या फाइंड आउट हुआ है, जैसे कि कंसेंट्रिक LBH, ग्रेड 1 LBDD और LBEF, माइल्ड MR। तो यहाँ पर कंसेंट्रिक LBH का क्या मतलब हुआ? कंसेंट्रिक LBH का मतलब हुआ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है। यहाँ पर हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब हुआ? जब यहाँ पर हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, इसके वर्कलोड के बढ़ जाने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियल मास बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल की थिकनेस यहाँ पर देखिए बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आता है ग्रेड 1 LBDD। ग्रेड 1 LBDD का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो ग्रेड 1 LBDD सिचुएशन में क्या होता है? पहली बात, ये 60 साल की एज के पर्सन में कॉमनली पाया जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वहाँ पर ग्रेड 1 LBDD की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हार्ट जो है डायस्टोल होता है, मतलब कि जब हार्ट फूलता है, तो इस सिचुएशन में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड की फिलिंग है, मतलब कि ब्लड यहाँ पर जो भरता है वो कम भरता है, तो इसी को बोल देते हैं LBTD। नेक्स्ट आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प आउट, मतलब कि हार्ट जो है कितना अमाउंट ब्लड फेंक रहा है, और हार्ट के चैम्बर में कितना ब्लड मौजूद है, इसी के रेशियो को हम इजेक्शन फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 55% से 70% होती है। अगर इको रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू 55 से 70% आती है, इसका मतलब हार्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे ही देखिए 55% से लो जाती है, तो यहाँ पर हार्ट फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू 40% से कम आती है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है हार्ट फेलियर की। नेक्स्ट आता है माइल्ड MR। यहाँ पर MR का क्या मतलब होता है? MR का मतलब होता है मिट्रल रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगर देखिए ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है, तो उसको हम रिगर्गिटेशन के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है वाया मिट्रल वाल्व। तो इसी को बोल देते हैं मिट्रल रिगर्गिटेशन। यहाँ पर रिपोर्ट में गिवन था माइल्ड MR, तो यहाँ पर जो हल्का फुल्का जो ब्लड है वो मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आ रहा है। यहाँ पर माइल्ड सिचुएशन में भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। मेनली यहाँ पर देखिए देखना होता है इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 55-70% है तो ये नॉर्मल रिपोर्ट होती है इको कार्डियोग्राम की। ओके।